हेलो फ्रेंड। तो सक्सेस के 100% में आप लोग का स्वागत है। तो जो आज का MTS का एग्ज़ाम है, सेकंड शिफ्ट में उसका क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि AD अनुपात NQ सम अनुपात ई इस बराबर वाट। तो इसका आंसर आर यू, राइट आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है AZB अनुपात BYC सम अनुपात MVN अनुपात बराबर वाट। तो इसका राइट आंसर है NUO। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25:81 सम अनुपात 36:00 वाट। तो इसका राइट आंसर है 100। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी, राइट आंसर। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये चीन देश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल स्थापना कहाँ स्थित है? ये है स्थित पटियाला में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जनरल कौन था? टी विलियम बैटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो उसका नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगा खां कप किस खेल में संबंधित है? ये हॉकी में संबंधित है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो जनवरी 2021 का पहले का ही क्वेश्चन सारा पूछा जा रहा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? 23.35 डिग्री। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21%। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो डक्कन का पठार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NCERT का स्थापना कब हुई? तो ये 1961 में हुआ था, ये आप लोगों को मालूम ही होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश है। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो KM मुंशी। भारत के पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? ये 2933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा के रूप में राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को मैं अपनाया था। चलिए बस इतना ही क्वेश्चन। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए और एक लाइक कर दीजिए अच्छा क्वेश्चन लगे तो।